नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे जल नीति कैसे की जाती है, उसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगी और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड काफी सवाल जो हमारे दिमाग में आते हैं नीति को लेकर, उनका सही बड़ा सरल तरीके से क्लियर से एक सवाल का मैं जवाब दूंगी और फिर ये भी बताऊंगी कि किस किस के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो आइए करते हैं नेति जल नेति। जल नेति के लिए हमें चाहिए ये नेति पोट, वाटर और ये सॉल्ट। हम पानी को गर्म कर लेंगे। ये अंदाजा हमने आधा लीटर पानी इसमें आता है तो आधा लीटर पानी थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसको टच करके देख लेंगे कि ये बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो, ठंडा सा भी ना रहे। इसमें हम नमक डालेंगे अंदाजा आधा चम्मच। सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट होती है, कोई थोड़ा सा कम गर्म लेता है तो कोई थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली ज्यादा भी ले सकते हैं। और ये देखेंगे कि नमक जो है प्रॉपरली डिजोल्व हो जाए उसमें। अगर एक बार में सही नहीं होता है, कम ज्यादा गर्म होता है तो ठंडा पानी मिक्स करके भी हम उसको कर सकते हैं। हम नमक को टेस्ट करेंगे, वो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। तो आइए अब हम करेंगे नेति। नेति करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कौन से नोस्टल से आपका श्वास चल रहा है, लेफ्ट से या राइट से। तो जिस नोस्टल से भी क्लियर हो उससे हम पहले शुरुआत करेंगे। तो राइट से शुरुआत करते हैं। लोटे को हम इस तरीके से रख भी सकते हैं, कोई कोई ऐसे पकड़ता है तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे कंफर्टेबल लगता है इस तरह हथेली पे रखना। नोजल को इसमें लगाएंगे कि पानी बाहर ना निकले, थोड़ा टाइट रहे यहां से और बहुत अंदर ऐसे प्रेसराइज नहीं करना है फोर्सफुली, सिंपली जेंटली हमें रखना है। और इस तरीके से करेंगे। अब हम इस पे आ जाएंगे अपने वाशबेसिन पे, बीच में नहीं बोलना है बिल्कुल भी। सांस रोक के भी रख सकते हैं, या तो मुंह खोल के मुंह से सांस लेते रहे या फिर 20 सेकंड के लिए एक तरफ से किया तो उस टाइम हमने रोक के रख लिया, मैंने रोक के रखा हुआ था। और इसमें अभी हम ब्लो करेंगे पहले, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। दोनों नाक को एक एक बंद करते हुए हम ब्लो कर देंगे। लेफ्ट साइड से करेंगे। ये मैंने पूरा लोटा यूज करके नहीं दिखाया है, मैंने सिर्फ दोनों तरफ से करके दिखाई है। तो ये हम कितना पानी लेंगे, कितना नमक डालेंगे और कितना पूरा डिटेल में कुछ सवाल के जवाब में अभी आपको देती हूँ। तो पहले हम इसका जो नोज में हमारा पानी चला गया है उसको हम निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। नेति करने के बाद हम पानी निकालेंगे इस तरीके से झुक के आगे और पहले एक एक नाक से फिर दूसरे नाक से। और साइड में करके इस तरीके से झुका के भी निकालेंगे
दोनों नाक से भी निकाल सकते हैं, एक एक करके भी निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ से करेंगे, ये हमने जैसे कपाल भाती करते हैं, कपाल भाती करके हमने दाएं बाएं करके और फ्रंट में करके निकाला है। पीछे की तरफ नहीं करेंगे हम कभी भी, सिर ऐसे करके नहीं करना है, सिर्फ दोनों साइड में और फ्रंट में। एक और भी तरीका है, नेति करने के बाद हम इस तरीके से शशांक आसन में भी लेट सकते हैं। इसी थोड़ा थोड़ा ब्लो करते रहिए, तो इस तरीके से हमारा पूरा पानी जो साइनस पॉकेट्स में जाता है वो निकल जाता है। और ये भी कर सकते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ा इरिटेशन सी होती है, तो हल्का सा आपने यहाँ पे चीक बोन्स पे यहाँ पे मसाज करेंगे, जहाँ पे झनझनाहट हो रही है, और फोरहेड पे भी मसाज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि पोट कैसा हो। पोट तांबे का और पीतल का, स्टील का, या चीनी मिट्टी का भी यूज़ किया जा सकता है, और प्लास्टिक के भी अवेलेबल हैं। तो बस मेन चीज़ उसमें ये देखते हैं कि खरीदते हुए जो उसकी जो नोज़ल है वो स्मूथ होनी चाहिए, वो नोज़ में कहीं चुभने वाला ना हो, और जो उसका छेद है जिससे पानी निकलता है उसकी विड्थ जो है थोड़ी सी सही होना चाहिए। कई कईयों में बहुत छोटा सा पॉइंट दिया होता है, प्रॉपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो कभी कभी तो टी पॉट भी कोई कोई यूज़ कर लेता है अगर उसका स्पाउट जो है कंफर्टेबल होता है। तो ये ड्रग स्टोर पे भी अवेलेबल होते हैं नेती पॉट, और बर्तनों की दुकान पर भी मिल जाते हैं जो मेटल वाले होते हैं, और ये फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं कुछ वेबसाइट्स पे। दूसरा सवाल है पानी को लेकर, पानी कितना हो और कैसा हो। पानी का ध्यान रखेंगे कि पानी एकदम प्योर होना चाहिए, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो, बिल्कुल भी कोई उसमें हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए। वो आरओ का हो तो काफ़ी अच्छा है। और एक और भी किया जा सकता है कि पानी को पूरा गर्म करके ठंडा करके भी उसको फिर नॉर्मल करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो हार्ड नहीं होना चाहिए। और क्वांटिटी कितनी हो, जो मैंने वीडियो बनाई इसमें मैंने जो लिया हुआ था पॉट उसमें 500 ml था, तो 500 ml में से हमने आधा इधर से निकाला आधा इधर से निकाला, ऐसे करके हम करते हैं, इट्स मोर देन एनफ। अगर किसी को ज़्यादा भी लेना है तो एक लोटा इधर से एक लोटा इधर से ऐसे भी कर सकते हैं, बट एक लोटे में से आधा आधा दोनों तरफ से निकाल दें तो काफ़ी रहता है। नमक कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। नमक सबसे बेहतर है सेंधा नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट से ज़्यादा अच्छा रहेगा सेंधा नमक अगर हो तो, अदरवाइज नहीं है तो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आधा लीटर पानी में आधा चम्मच हम डालते हैं। अगर इतने से नहीं क्लियर हो रहा है तो ये देख सकते हैं कि टेस्ट करके देख लीजिए, जितना हमें खाने में स्वाद अच्छा लगता है किसी भी सब्जी में और किसी भी चीज़ में वो उतना ही होना चाहिए, बहुत कम भी ना लें, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। नेति का समय क्या हो, का क्या हो। नेति मॉर्निंग में कर सकते हैं, किसी भी टाइम किसी भी मील से पहले हमें लेना चाहिए, खाने के बाद नहीं करना है। खाने को अगर 2 घंटे भी हो गए हैं तो हम नेति कर सकते हैं, और आसन प्राणायाम वगैरह से पहले ही करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। तकरीबन इसमें 5 मिनट का टाइम हमारी नेति में लगता है। नेति करते हुए पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसको लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि खड़े होकर करें या बैठकर करें, कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वाश बेसन है, सिंक है, तो उसमें खड़े होकर भी कर सकते हैं, इफ़ नॉट कम्फर्टेबल तो आप नीचे स्क्वाट पोज में बैठकर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से सही रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए नेति की, मतलब कितने दिनों के गैप में करनी चाहिए। वैसे तो नॉर्मली अगर हफ्ते में एक बार भी अगर करें तो काफ़ी है, लेकिन अगर किसी के आंखों में नंबर है, नंबर हम चाहते हैं कि वो कम हो जाए, या हेयर फॉल ज़्यादा होता है, सिर दर्द होता है,
या फिर किसी को स्मेल की प्रॉब्लम होती है कि स्मेल मेरी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आ जाए वापस, या फिर साइनसाइटिस है किसी को, और नोज ब्लीडिंग की थोड़ा प्रॉब्लम है, और इस तरह से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डेली भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो दिन में इवन 2 बार भी किया जा सकता है। वैसे आदर्श तरीके से तो हफ्ते में 1 बार काफ़ी रहता है। ये हम ग्लो क्यों करते हैं नेति के बाद? ग्लो इसलिए करते हैं टू जनरेट हीट इन द नोज एंड टू ड्राई अवर नोज, क्योंकि उसमें हल्का हल्का मॉइस्चर सा रह जाता है। तो जब हम सांस को तीव्र गति से करते हैं जैसे कपालभाति में करते हैं, तो वो पूरा नोज हमारा नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, और जो हमारे यहाँ पे साइनस पॉकेट्स होते हैं चीक बोन्स में और जो फ्रंटल हेड में, उनमें भी थोड़ा बहुत कई बार ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं। तो जैसे इस तरह से करे तो इधर का निकल जाता है, इधर से करे तो इधर का निकल जाता है। तो इसलिए ब्लो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी किसी के दिमाग में वहम होता है कि अरे यार नेति करेंगे तो सिर में पानी ना चला जाए, सिर दर्द ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, नाक से पानी लेते हैं तो सिर में कभी नहीं जाता है, तो ये सब मिथ है। और बस यह है कि पीछे जब ब्लो करेंगे तो पीछे ले जाके हमें कभी भी ब्लो नहीं करना है, साइड में ले जाके और फ्रंट में ले जाके ही करना है। नमक क्यों डाला जाता है पानी में? करने को प्लेन से भी कर सकते हैं, लेकिन प्लेन से करने से हमारी नेजल ट्रैक में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। वो इरिटेशन इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारा जो पैसेज बना हुआ होता है वो हल्का सा म्यूकस वगैरह जो होता है वो हल्का सा सॉल्टी ही होता है। हमारा शरीर का जो एक होता है वो अंदर से नमकीन भगवान ने बनाया हुआ है, तो उसी जितना अगर नमक हम रखते हैं तो वो हमारा शरीर उसको पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है जो कैपिलरीज होती हैं। तो जो एक कॉस्मेटिक होता है प्रोसेस वो बराबर रहता है, जो हमारे कैपिलरीज का रहता है ब्लड का वो भी, और पानी में नमक डालने से, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। एक सवाल हमारे दिमाग में ये भी आता है कि हम क्लीन तो नेजल ट्रैक कर रहे हैं, तो ये आंखों को कैसे इम्पैक्ट करता है? आंखों को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब हम नेति करते हैं तो जो नर्व्स होती हैं, हमारे टीयर डक्ट्स होते हैं और जो आईज की ग्लैंड्स होती हैं वो यहाँ से टच होती हैं, तो वो इसे स्टिमुलेट होती हैं और इससे बड़ा रिलैक्सिंग इफेक्ट आता है आंखों में। आंखों के तो बहुत सारे रोग दूर होते हैं इससे। कुछ सावधानियां हैं जो हम नेति करते हुए बरतेंगे, वो है सबसे पहले कि नोज से बिल्कुल भी ब्रीद नहीं करना है, या तो श्वास को हम रोक के रखेंगे थोड़े से सेकंड्स के लिए, या फिर उसको हम माउथ से ही करेंगे। दूसरा जो है कि सावधानी बरतनी होगी, अगर झंझनाहट हो रही है, ज़्यादा हो रहा है, तो बिगिनर्स को तो खैर होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हो रहा है हमें, तो नमक देखेंगे, उसमें हो सकता है कम हो इसीलिए वो हमको चुभन सी हो रही है, और नमक अगर ज़्यादा होगा तो बर्निंग सेंसेशन देंगे, तो वो एक बार देखेंगे। एक और सावधानी बरतेंगे कि जब हम ब्लो करते हैं नोज को तो वो इस तरीके से करना है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स नहीं लगानी है, क्योंकि उससे हमारी नोज में इंजरी होने का डर रहता है, छिल सकता है और वो पानी कानों की तरफ भी जा सकता है, तो एक नॉर्मल प्रेशर से करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि जो बिगिनर्स हैं वो बिल्कुल भी रेनी सीजन में इसको ना शुरू करें और सर्दियों के मौसम में भी इसको ना शुरू करें। जिसको प्रैक्टिस है वो तो खैर उसे पता होता है कब करना है कब नहीं करना है, वो कर लेता है। अगर छींक आती है तो सावधानी ये बरतेंगे कि पहले थोड़ा सा ब्रेथ को नॉर्मल होने दीजिए, फिर हम नेति करेंगे। और अगर दर्द है, जलन होती है या फिर ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा सा नेति करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो उसमें हम थोड़ा सा कोई तेल या फिर घी या तो टपका सकते हैं या फिर थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं अंदर नोज के। अगर जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए शुरू शुरू में नेति करने से आंखों से पानी आ सकता है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं,
और आंखों में थोड़ी सी जलन सी इरिटेशन सी होती है जो शुरू शुरू में करते हैं नेति करने से, तो वो आपके लिए बल्कि पॉजिटिव है क्योंकि हमारी जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट हो रही हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नोज में जो इरिटेशन होती है वो होगी ही क्योंकि पानी हमने कभी नोज में अंदर टच नहीं किया, तो पहली पहली बार नोज में अंदर पानी टच हो रहा है, कॉन्टेक्ट मिल रहा है, तो थोड़ा सा होता है। ये नेति के बारे में हमने पूरा जाना, तो ये नेति बहुत ही बेनिफिशियल है मेनली फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर द साइनस पेशेंट्स, और फिर जिनको सिर दर्द है उनके लिए भी, और जो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं जिनका लैपटॉप वगैरह पे काम ज़्यादा है, या फिर जो दिमाग का काम करते हैं शतरंज खेलना, या फिर उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड जिनको सेंस ऑफ स्मेल गायब हो जाती है किसी किसी की किसी ऑपरेशन की वजह से, तो नेति करने से भी वह लौट कर आ जाती है, और जिनके बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं उसके लिए भी नेति बहुत ही लाभकारी है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है बहुत सारी चीजों से, जैसे पोलन से, पोल्यूशन से, और डस्ट, स्मोक, फाइबर, एनिमल हेयर से, तो ये किसी भी तरीके की एलर्जी होती है तो वो ये नेति से ठीक हो जाती है। तो ये हमने पूरा का पूरा जाना नेति के बारे में, और अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। आप तब तक सीखते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नमस्कार।